यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में यार बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हालात पर अगर आपकी पकड़ सही हो, हालात पर अगर आपकी पकड़ सही हो तो ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना काल में मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ को ये सैनिटाइजर से क्लीन करते रहिए। दोस्तों मुंबई में फिर से एक दर्दनाक हादसा, उनको सांप बाइट हुआ है, सांप काटा है कोबरा ने, वो उनका नाम है, वो शख्स का नाम है संदीप शिंदे। दोस्तों हमारा दुआ है वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपना घर जल्दी लौटे। और दोस्तों ये वीडियो को आप वॉच कीजिए और चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाथ जोड़कर आपसे ये अपील है, आप सांप को बिना जानकारी लिए सांप को छूने का, पकड़ने का, टच करने का कोशिश ना करें, नहीं तो यमराज आपको स्वयं लेकर चल जाएगा। दोस्तों इसलिए यह वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। ये सांप पकड़ने का बिल्कुल गलत तरीका है और ये शख्स सांप पकड़ना एकदम ही नहीं जानता है। ये न्यू लड़का है, ये सांप को हमारी तरह कैचिंग करने गया और ये देखिए कैसे काट लिया। तो एक आदमी फिर से पूछ रहा है काट लिया क्या, वो अपना भाषा में पूछ रहा है चावला क्या। और देखिए फिर से ये दोबारा पकड़ने का कोशिश कर रहा है, एक बार काटा तो मन नहीं भरा, दोबारा फिर कटवाने का ताल में है। ये दोबारा काटेगा तो ये फिर दोस्तों बचेगा भी नहीं। ये दोस्तों इंटरनेशनल जीव है, इसके साथ खिलवाड़ करने का कोशिश ना करें, कब काट लेगा कोई नहीं बोल सकता है। आपकी यहीं पर एक गलती हो चुका है जो आप सांप को टच किए मतलब मौत को दावत दिए। दोस्तों भारत देश का सबसे जहरीला सांप जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं वो इनको काट चुका है। और दोस्तों मेरा भी एक वीडियो है, देखिए ये वीडियो को। दोस्तों सांप अगर जहरीला नहीं भी है तो आपको छूने का उसको क्या ज़रूरत है। अगर आपको मरना है तो जाकर छूइए, और नहीं मरना है जीवित रहना है तो सांप से दूरी बना ले। सांप अगर देखते हैं तो वहाँ से भाग जाए। और दोस्तों आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में सांप रेस्क्यूअर है, स्नेक सेवर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्नेक सेवर है, आप उनको कॉल कीजिए, वो जरूर से ज़रूर आएगा। वो अगर नहीं आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, लोकल फॉरेस्ट से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वो ज़रूर आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ और ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।